तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यू होंडा एलिवेट के बारे में। भाई होंडा ने काफ़ी समय लगा दिया अपने एक न्यू प्रोडक्ट को लाने के लिए, लेकिन फाइनली यहाँ पे आ चुकी है भाई एलिवेट, एक मिड साइज की एसयूवी। और लोगों के मन में जो होप था ना भाई होंडा को लेके कि मार्केट में रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन वो चीज़ फिर से जाग चुकी है और अपनी एक न्यू गाड़ी जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आज बात करेंगे इस एलिवेट के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मार्केट में ऑलरेडी भाई गाड़ियाँ जो मिड साइज की एसयूवी जो गाड़ियाँ हैं ना ऑलरेडी अपनी सिक्का जमा के बैठी है, जैसे कि हुंडई की क्रेटा हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई एंड सेल्टोस हो गई। तो उस लेवल तक ये मैचअप कर पाएगी या फिर नहीं, और लोगों की नज़र में जो सबसे बड़ी बात है, लोगों की नज़र में ये खरी उतर पाएगी या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको होंडा एलिवेट की कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, हर एक फीचर आपको बताऊंगा वो भी अच्छे से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इससे मिड साइज की एसयूवी होंडा की एलिवेट को। तो दोस्तों ये रहा भाई होंडा की एलिवेट। और लोग जब गाड़ी देखने के लिए जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं भाई, क्या देखते हैं पहले, वो है इसका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के बारे में पहले बात कर लेते हैं भाई होंडा एलिवेट का। तो फ्रंट का प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रही है भाई, देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इसमें जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगी, पूरी फ्लैट रखी गई है और देखिए कितनी चौड़ी लग रही है कि नहीं, कि वजह से गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है ना वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। और अगर मैं साइड की बात करूँ तो भाई देखिए इसका जो साइड प्रोफाइल आपको थोड़ी सी बॉक्सी टाइप लगेगी, ठीक है ना, तो हल्की सा आपको यहाँ पे बॉक्सी टाइप जो है डिज़ाइन दी जा रही है इसके साइड प्रोफाइल में, एंड आपको यहाँ पे कर्स वगैरह मिल जा रही है देख लो। और इसका जो क्लैडिंग का जो पार्ट है ना ये थोड़ी सा आपको यहाँ पे डिफरेंट आपको दी जा रही है, अगर आप नॉर्मल देखोगे तो आपको क्लैडिंग इस टाइप की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लैडिंग यहाँ पे भी जा रही है नीचे भी जा रही है, ठीक है ना, तो इस टाइप की थोड़ी सा आपको डिफरेंट आपको मिलेगी यहाँ पे क्लैडिंग का सिस्टम इससे गाड़ी में। तो फ्रंट से आपको दिखाना शुरू करता हूँ, तो ये रहा इसका हेडलाइट का पूरा प्रोफाइल भाई देख लो, होंडा एलिवेट का फ्रंट का तो प्रोफाइल ये रही, और ये रहा इसका हेडलाइट का पूरा प्रोफाइल आपको मिलेगी पूरी एलईडी के साथ, यानी कि भाई देखिए थोड़ी सी आपको लगेगी आइसक्यू टाइप की एंड डुअल बैरल टाइप की लगेगी, दोनों यहाँ पे देखिए मिल जाती है यूनिट आपको, ये आपको मिलेगी दोनों एलईडी के साथ। डीआरएल काफ़ी बोल्ड आपको दी जा रही है, ये आपको मिलेगी डुअल फंक्शन यानी कि डीएल का काम करेगी प्लस आपको इंडिकेटर का काम भी करने वाली है, ठीक है। इसके नीचे मिल जाती है एलईडी प्रोजेक्टर टाइप की फॉग लाइट विथ आपको मिलेगी मेट ब्लैक कलर की, देखिए ट्रीटमेंट वगैरह इसके साइड में रखी गई है, ठीक है ना। नीचे आपको मिल जाती है स्किड प्लेट, ठीक है ना, एंड आपको मिलेगी ब्लैक कलर की भी, देखिए सिल्वर आपको मिलेगी ब्लैक मैट ब्लैक कलर में दोनों रखा गया है कॉम्बिनेशन। और होंडा का एक बड़ा सा भाई ब्रांडिंग यहाँ पे देख लो, एंड इसका जो ग्रिल का जो पार्ट है वो रखा गया है ग्लॉसी में, फुल आपको मिलेगी ग्लॉसी के साथ इसका ग्रिल का पार्ट काफ़ी ह्यूज रखी गई है, एंड क्रोम भी आपको मिलने वाली है ठीक इसके ऊपर में, देखिए एक बोल्ड क्रोम का ट्रीटमेंट भी दी जा रही है इसके ठीक ग्रिल के ऊपर, ओके। तो ये हो गया इसका फ्रंट का प्रोफाइल होंडा एलिवेट का। और अगर मैं वेरिएंट की बात करूँ तो आपको मिलेगी चार वेरिएंट के साथ, एसवी, वी, वीएक्स एंड जेडएक्स जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। तो वेरिएंट आपको मिलेगी चार, तो काफ़ी अच्छी बात है। इंजन ऑप्शन आपको मिलेगी बस एक ही मिलेगी 1.5 लीटर की, जो कि आपको मिलेगी ट्रांसमिशन मैनुअल एंड सीवीटी के साथ, जो कि होंडा की सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है ट्रांसमिशन मानी जाती है, जो कि सीवीटी है इसका ऑप्शन, वो भी इस गाड़ी में दी जा रही है। और ये गाड़ी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के साथ, डीजल का ऑप्शन अभी तक इसमें नहीं दी जा रही है, ओनली आपको मिलेगी पेट्रोल का ऑप्शन होंडा के एलिवेट में। देन आपको बता दूं कि इस गाड़ी में मिल जाती है लेवल 2 वाली एडस का फीचर भाई, ये रहा इसका लेन की प्रतिष्ठा देख लो भाई यहाँ पे लगी हुई है, तो लेवल 2 वाली आपको मिलेगी एडस का फीचर इस गाड़ी में यानी कि होंडा के एलिवेट में, जो कि जरूरी था आज के टाइम में, ठीक है ना। साइड की प्रोफाइल जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, तो हल्की फुल्की जैसे कि मैंने आपको जानकारी दे दी थी इसके क्लैडिंग के बारे में, फुल बॉडी क्लैडिंग आपको दी जा रही है भाई, ये रही देख लो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये रहा इसका टायर, डुअल टोन की सुपर्ब दिखने वाली यहाँ पे ऑलो दी जा रही है, और इसका जो साइज वो आपको मिल जाएगी 215x55 एंड 17 इंच की डुअल टोन की ऑलो है। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम, ब्रिज टोन के टायर यहाँ पे ऑफर करती है होंडा, यहाँ जैसे मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो देख लो भाई फिर से इसका टायर का प्रोफाइल कैसी लग रही है मुझे बताना कमेंट करके। देन अभी आते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको होंडा ऑफर कर रही है, 220 mm का ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस आपको दी जा रही है इस गाड़ी में, ये देख लो। और मैं यहाँ पे कॉम्पेटिटिवली बाकी गाड़ियों का जो डायमेंशन डाल दे रहा हूँ, आई मीन ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, एंड इसका जो डायमेंशन वो भी डाल दे रहा हूँ, इसका जो आई मीन होंडा एलिवेट का जो ओवरऑल जो लेंथ है वो आपको मिल जाएगी 4312 mm की, विड्थ इस गाड़ी की है 1790, एंड इसका जो हाइट है वो आपको मिल जाएगी 1650 mm का। इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो है 5.2 मीटर का, बाकी सेल्टोस, ग्रैंड विटारा एंड क्रेटा का भी देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर।
तो उन गाड़ियों को मैं डायमेंशन यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि भाई होंडा एलिवेट का और बाकी गाड़ियों का डायमेंशन कितना क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो भाई डायमेंशन से आप लोगों को पता चल गया होगा, और अभी चलते हैं इसके रियर में, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ इसका ओवर मैप का पार्ट। ये रहा इसका ओवर मैप का पार्ट, वही टर्निंग इंडिकेटर। कलर की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको मिलेगी 10 कलर ऑप्शन के साथ, साथ आपको मिलेगी मोनोटोन यानी कि सिंगल टोन, एंड 3 आपको मिलेगी डुअल टोन में ये एलिवेट। बाकी बेल्ट लाइन आपको मिल जाती है क्रोम के साथ, और ये रहा इसका रूफ रेल का पार्ट, ये आपको मिलेगी सिल्वर कलर में, देन सनरूफ जैसे देख पा रहे हो, क्रोम की डोर हैंडल विथ रिक्वेस्ट सेंसर का बटन बोथ साइड यानी कि को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड में आपको मिल जाएगी। देन ये रहा इसका लैन वॉच कैमरा, जैसे कि आपको होंडा सिटी मिल जा रही है उसी शेप में आपको यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड के ओवर के नीचे मिल जाती है लैन वॉच कैमरा, देख लो ये रही। ये रहा इसका टेल लाइट, आपको मिलेगी फुल्ली एलईडी के साथ, इसका एलईडी का पूरा टेल का प्रोफाइल, हेलोजन बेस आपको मिलेगी इसका इंडिकेटर, एंड इसका रिवर्स का लाइट, ठीक है ना। कनेक्टिंग यहाँ पे दी गई है लेकिन ये इल्यूमिनेट नहीं है, यानी कि जलेगी नहीं, ठीक है ना। ये आपको मिलेगी रिफ्लेक्टर बेस, होंडा का यहाँ पे ब्रांडिंग दी जा रही है, रियर वाइपर डीफ होगा, हाई मोटर स्टॉप लैम्प ये देख लो, एंड सर्फिंग एंटीना बॉडी कलर में यहाँ पे जैसे दी गई है, ठीक है। नीचे आपको मिल जाती है आवीटेक का यहाँ पे ब्रांडिंग, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रिफ्लेक्टर, रिवर्स पार्किंग सेंसर 1, 2, 3 एंड 4 चार आपको मिलेगी, एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको मिल जाती है इसके रियर प्रोफाइल में, एंड आपको मिलेगी स्किड प्लेट जैसे कि आपको फ्रंट में दी जा रही है वही सेम शेप में आपको मिल जाती है, यानी कि कलर में आपको मिल जाती है इसका रियर स्किड प्लेट का प्रोफाइल, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है ना। और इधर भाई एलिवेट यहाँ पे ब्रांडिंग देख लो, काफ़ी बोल्ड में लिखा गया है एलिवेट करके। ये रहा इसका रियर प्रोफाइल, इससे मिड साइज एसयूवी का। तो दोस्तों बाहर की बातें हो चुकी है, यानी कि गाड़ी के डिजाइन के बारे में, गाड़ी के जो बाहर के एलिमेंट्स के बारे में, अभी चले चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको दिखा दूं अंदर में क्या क्या आपको फीचर्स ये ऑफर करती है ये न्यू होंडा की एलिवेट। तो देख लो इसका पहले इंटीरियर साइड, तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको जो है बोल सकते हो मर्ज किया गया है, यानी कि ब्लैक है यहाँ पे, ब्राउन कलर की इंटीरियर इसमें डाला गया है ताकि प्रीमियमनेस थोड़ी सी ज़्यादा लगे गाड़ी। और देखिए सीट भी आपको मिलेगी ब्राउन एंड ब्लैक, यहाँ पे हल्की सी आपको ब्लैक मिलेगी साइड में, और सीट रखी गई है ब्राउन कलर में, ये आपको मिलेगी लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ, ये देख लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डोर पैनल से ही, फिर इसका डोर पैनल, तो ये भी आपको मिलेगी डुअल टोन यानी कि ब्लैक आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको लेदर टच आपको मिलने वाली है, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है ना। एंड आपको मिलेगी पावर के स्विचेस वगैरह, ऑटो अप एंड डाउन का आपको फीचर मिलेगी ओनली ड्राइवर साइड में, एंड लॉक कलर का स्विच, ऑटो फोल्ड ओवर का स्विच का सारा कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दी जा रही है, ये देख लो, यहाँ पे हल्का सा स्पेस, बोटो होल्डर स्पेस, स्पीकर का प्लेसिंग, और ये आपको मिलेगी मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ इसका जो लीवर, ये देख लो, ठीक है। तो चलिए भाई बाकी बातें करते हैं अंदर बैठ के। देन भाई देखिए यहाँ पे ABC इसका जो पेडल वगैरह, एंड आपको मिलेगी एक डेड पेडल, ये देख लो साइड में है ना, ठीक है ना। तो भाई आ चुके हैं होंडा एलिवेट के अंदर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वाइड एंगल करते हैं। इंटीरियर जैसे मैं आपको बता रहा था ब्लैक आपको मिलेगी यहाँ पे, ये आपको मिलेगी सॉफ्ट टच लेदर टच दोनों के यूज किया गया है। देन यहाँ पे आपको हल्की सी भाई ये वुडन फिनिशिंग आपको दी जा रही है, देख लो एक अलग यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। देन आपको मिलेगी सेटिन सिल्वर कलर का भी एसेंट वगैरह इसके सेंट्रल कंसोल पे, ओके। देखिए भाई एसी वेंट्स के ऊपर भी, आई मीन साइड में बॉर्डर में जैसे कि यहाँ पे दी जा रही है। देन अगर टच स्क्रीन की बात करो तो उससे पहले आपको इसका की दिखा दूँ, तो ये रहा इसका की, एक बेसिक सा की आपको दी जा रही है इस गाड़ी में, देख लो लोकल का बटन आपको मिल जा रही है, होंडा का यहाँ पे ब्रांडिंग हो गया, सिंपल सी की आपको दी जा रही है इस गाड़ी में। अभी रखते हैं इसको भाई, काफ़ी हेवी लेकिन लग रही है, काफ़ी हेवी है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इसके टच स्क्रीन को, गाड़ी करते हैं बंद, बंद नहीं है, ओके अब हो गया बंद। तो देखो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एनिमेशन। ये रहा इसका 10.25 इंच की टच स्क्रीन बड़ी सी यहाँ पे आपको दी जा रही है, और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप इसको लाइट या फिर थोड़ी सी डार्क कर सकते हो अपने हिसाब से, देखिए डिम हो जा रही है, ठीक है ना।
देन आपको मिलेगी यहाँ पे कनेक्टिंग फीचर, यानी कि होंडा कनेक्ट ऐप आपको यहाँ पे मिल जा रही है, यानी कि कनेक्टिंग फीचर आपको दी जा रही है इस गाड़ी में। उसके साथ आपको मिलेगी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वाली फीचर इस गाड़ी में। देन डिवाइस लिस्ट, यूएसबी कनेक्ट, आरडीएस, रीजनल साउंड, बीप सिस्टम, वॉल्यूम यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, और उसके नीचे क्या है, ओपनिंग एनिमेशन वगैरह। देखिए एनिमेशन यहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा दिया ऑन है। अभी वॉलपेपर सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, फोटो वगैरह यहाँ पे भी देखिए, डेट फॉर्मेट और क्लॉक मोड यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर ऑल सेटिंग है तो अलग है। लेन वॉच अभी जैसे कि ऑन है यहाँ पे, ठीक है ना। सो विथ टर्न सिग्नल, सो रेफरेंस लाइन, डिस्प्ले टाइम आफ्टर, ये सारी कुछ आपको मिलने वाली है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी इसके टच स्क्रीन यूनिट पे। और तो लेन वॉच कैमरा का भी आपको फीचर मिल जा रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, और जिसका स्विच ये देख लो, जैसे कि आपको होंडा सिटी में दी जा रही है उसी हिसाब से वही प्लेसमेंट यहाँ पे रखा गया है होंडा के एलिवेट में। देख लो ऑन हो गई, फिर से ऑफ हो गया, देखिए फिर से ऑन करते हैं। देखिए इसको प्रेस कीजिएगा तो डायरेक्ट ऑन हो जाती है, ये देख लो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको पता चल जाएगा कि भाई कैमरा ऑन है। तो ये तो हो गया इसका टच स्क्रीन एंड इसके कैमरे के बारे में। अभी आते हैं नीचे, तो आपको नीचे क्या मिल जाती है, आपको मिलेगी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन यूनिट। यहाँ पर जैसे देख पा रहे फिजिकल बटन वगैरह, ऑटो मैक्सिमम कूलिंग का आपको यहाँ पर मिल जाता है एक बटन, ठीक है, रियर डिफ होगा, फ्रंट डिफ होगा, मोड बटन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इसके बॉटम में। एंड आपको मिलेगी वॉल्यूम, एंड इसका देखिए डाउन करने के लिए आपको काफ़ी मस्त वाली नॉब, नॉब तो नहीं है, काफ़ी मस्त वाली यहाँ पे देखिए कैसे आवाज़ कर रही है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी प्रीमियम लगती है गाड़ी में। देन उसके नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाती है क्या, आपको मिलेगी यूएसबी का पोर्ट दो आपको मिल जा रही है टाइप ए वाली, एंड आपको मिलेगी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी, ये देख लो। एंड आपको मिलेगा एक पावर आउटलेट 12 वोल्ट का, ये देख लो, ठीक है। देन इसके नीचे आपको मिलेगी दो कप होल्डर, एंड ये रहा इसका 6 स्पीड वाली मैनुअल गियर लीवर। इंजन भी दिखाऊंगा भाई, इंजन भी दिखाने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा बस सब्र रखिए। तो ये इसका मैनुअल गियर लीवर, ये गाड़ी आपको मिलेगी मैनुअल एंड सीवीटी के साथ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हल्का सा स्पेस आपको दी जा रही है, ये रहा इसका ग्लो बॉक्स, ठीक है ना। देन सीट की बात करूँ तो भाई काफ़ी आपको कंफर्ट महसूस होने वाले इस गाड़ी में। बकेट टाइप की सीट आपको मिलेगी विथ लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ, तो भाई कंफर्टनेस काफ़ी मस्त वाली आपको मिलेगी इसी होंडा के एलिवेट में। बड़ी सी आपको मिलेगी यहाँ पे हेड रेस्ट, वो भी आपको मिलेगी एडजस्टेबल, ये रही ग्रैब हैंडल यहाँ पे दी जा रही है। एंड ये रहा इसका वैनिटी मिरर विथ इल्यूमिनेशन, ठीक है ना। और इधर भी देख लेते हैं, हाँ इधर भी है, ये देख लो भाई, लेकिन यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलती है। देन ये रहा इसका रीडिंग लैंप LED, ओके। और ये रहा इसका सनरूफ का पार्ट, वन टच, देखो खुल गई गाड़ी, अभी करते हैं इसको बंद, ओके। तो सनरूफ ये रही होंडा एलिवेट का। एंड इस गाड़ी में आपको मिल जाती 8 स्पीकर, ठीक है ना। देन अभी आते हैं क्लस्टर के ऊपर, तो मैं आपको और एक बार स्टार्ट करके दिखा दूं एनिमेशन के साथ, ये देखो बस आपको एक क्या डायल दिख रहा होगा यहाँ पे, है कि नहीं दिख रहा है, तो हाँ अभी देखिए इसका क्लस्टर, तो होंडा सिटी में जो क्लस्टर दी जा रही है वही सेम क्लस्टर आपको यहाँ पे मिलने वाली है होंडा के एलिवेट में। भाई एनिमेशन का साउंड भी आ रही है, ठीक है ना। तो ये देख लो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर यहाँ पे, फ्यूल गज हो गया, और सा टेम्परेचर हो गया, ओडोमीटर यहाँ पे शो कर रही है, देन वार्निंग वगैरह साइन वगैरह यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है ना। तो आपको दिखा दूँ बाकी फीचर्स, देखिए सेफ्टी सपोर्ट एडस वाली फीचर सारी यहाँ पे आपको शो करेगी, और स्क्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको दी जा रही रोलर, देख लो, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको मिलेगी सेफ्टी सपोर्ट सेटिंग, कस्टमाइज डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या है भैया, देखते हैं यहाँ पे, ओके। अच्छा ड्राइवर असिस्ट यहाँ पे, सिस्टम सेटअप, क्लॉक सेटअप, मीटर सेटअप, कीलेस एक्सेस सेटअप, लाइटिंग सेटअप वगैरह, डोर सेटअप डिफॉल्ट, ठीक है भाई। देन नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी सपोर्ट पे, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आपको देखिए रोड डिपार्चर मिटिगेशन, पार्किंग सेंसर सिस्टम, कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये सब चीज़ आपको मिलेगी इस गाड़ी में, क्योंकि भाई एडवांस फीचर्स में दी जा रही है। एंड ये फंक्शन करने के लिए आपको इस रोलर को घुमाना पड़ेगा, देखिए है ना काफ़ी मस्त वाली चीज़। तो ये होगा इसका क्लस्टर, और ये इसका स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगी लेदर रैप्ड, विथ आपको मिलेगी स्टेयरिंग मोड और का फीचर, क्रूज कंट्रोल, एंड इसका सारे फीचर्स यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, बटन वगैरह, एंड ये रहा इसका ऑडियो का कंट्रोल, टेलीफोन के सर कंट्रोल सबको यहाँ पे दी जा रही है। और इसका स्टेयरिंग आपको मिलेगी टिल्ट, कहाँ गया इसका टिल्ट, सो ये आपको मिलेगी टिल्ट के साथ, एंड टेलीस्कोपिंग दोनों यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओके करता हूँ इसको लॉक। इंजन स्टार्ट वन का स्विच यहाँ पे जैसे कि रेड कलर में दिख रहा होगा आपको, और इधर क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगी ट्रैक्शन कंट्रोल एंड लाइट लेवल का स्विच, सॉरी रोलर यहाँ पे भी एक्ट है। ओके सो फ्रंट रो की बातें हो चुकी है, एंड इतना सारा चीज़ आपको मिलेगी इस होंडा की एलिवेट में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और क्या है, बस यही तो है। देन अभी चलिए चलते हैं इसके सेकेंड रो में। सो ये रहा इसका सेकेंड रो, वे देख लो, एंड आपको सेम मिलेगी डुअल टोन में इसका रियर डोर पैनल ब्लैक, यहाँ पे आपको मिलेगी लेदर टच, क्रोम वाले ट्रीटमेंट यहाँ पे। तो चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं अभी। और स्पेस भाई आगे से मैंने अपने हिसाब से सजेस्ट किया था, और देखो भाई स्पेस, लेग रूम, नी रूम, हेड रूम जैसे देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो भाई स्पेसेस तो भाई काफी मस्त लग रहा है, मतलब पूरी खुली हुई गाड़ी जैसे लग रही है यहाँ पे बैठने से। सफोकेटिंग वाली फील तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई मिड साइज की एसयूवी है, तो आपको पूरा अच्छा वाला स्पेस यहाँ पे दी जा रही है। देन आपको मिलेगी रियर एसी के वेंट्स, और इसके ऊपर मिलेगी वही ट्रीटमेंट जैसे देख पा रहे हो। देन 12 का सॉकेट यहाँ पे एक दी जा रही है, देख लो नीचे, ठीक है ना। देन आपको मिलेगी सीट पॉकेट्स, भाई गाड़ी पूरी कवर की गई है, ये देख लो सीट पॉकेट्स आपको मिलेगी, और 60-40 का ऑप्शन मिल जाती है, एंड इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो। देन ये इसका आर्म रेस्ट विथ कप शोल्डर, एडजस्टेबल हेड रेस्ट काफ़ी बड़ी आपको मिलेगी, एंड भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिक्लाइनिंग तो काफ़ी सही है, देख लो आराम से यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सही लग रहा है, ठीक है। एंड ऊपर मिल जाते हैं रीडिंग लैंप एलईडी के साथ, ग्रैब हैंडल यहाँ पे है, यहाँ पे लगेज हुक के साथ आपको मिले ग्रैब हैंडल, ठीक है ना। देन ये इसका पार्सल ट्रे, ठीक है। तो रियर सीट भाई ये रही, और रियर से ऐसा कुछ व्यू डैशबोर्ड का जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है कि नहीं मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि ब्लैक एंड ब्राउन कलर का यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो। ओके सो गाड़ी के बारे में अंदर की बातें हो चुकी है, अभी चलिए बात करते हैं इसके इंजन की। सो ये इसके इंजन का पूरा प्रोफाइल आपको मिल जाता है, 1.5 लीटर की भाई होंडा की सबसे ट्रस्टेबल इंजन, और जो कि पावर निकालेगी 121 पीएस की एंड 145 एनएम का टॉर्क, ठीक है। तो इसका इंजन का पूरा प्रोफाइल, और ये आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही। माइलेज की बात करें तो भाई होंडा क्लेम करते हैं 15-16 का, तो उतना ही मान के चलो, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड के साथ नहीं आई है, तो उतना ही भाई मान के चलो उतना आपको मिलेगा इसका जो एवरेज है। तो ये इसका इंजन का पूरा प्रोफाइल, एंड आपको मिलेगी इंसुलेशन पैडिंग भी यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो फिर से देख लो भाई, सो अभी आपको देखा तो इसका बूट एरिया 458 लीटर का बूट स्पेस, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऑफर कर रही है होंडा एलिवेट, विथ आपको मिलेगी बूट लैंप, लगेज हुक यहाँ पे भी, एंड ये इसका स्पेयर व्हील विथ टूल किट वगैरह यहाँ पे रखा गया है, और 16 इंच का स्पेयर व्हील यहाँ पे दी जा रही है, एक कम आपको मिलेगी आपको पता ही होगा। तो देख लो भाई इसका बूट का एरिया होंडा एलिवेट का, ठीक है ना, विथ पार्सल ट्रे, एंड करते हैं अब इसको बंद। तो दोस्तों अभी बात करते हैं सेफ्टी की, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स आपको ऑफर करती है होंडा की एलिवेट। अगर आप ले तो इसका बेस वेरिएंट तो आपको मिलेगी 2 एयरबैग, और अगर आप ले तो इसका टॉप एंड वेरिएंट तो आपको मिलेगी 6 एयरबैग का ऑप्शन, और 6 एयरबैग के साथ आपको मिलेगी क्या, आपको उसमें मिलने वाली है एबीएस डीवीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, आईएसओ फिक्स, लैंड नोज कैमरा, एडास का फीचर, बैटरी सेंसर,
एंड 3 पॉइंट एमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर सीट बेल्ट का फीचर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी इसके टॉप एंड वेरिएंट में। सो नाउ कमिंग टू द प्राइस, दोस्तों प्राइस आ चुकी है होंडा की एलिवेट की। तो मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग जो प्राइस है वो आपको आ जाएगी 10.99 लाख, यानी कि 11 लाख आप मान के चलो, 11 लाख से गाड़ी स्टार्ट होती है इसका एक्सट्रीम प्राइस, और ये जाती है 15.99 लाख तक, बस 16 लाख मान के चलो, ठीक है। तो 11 से लेके 16 लाख के बीच में इसका प्राइस वेरी करती है, डिपेंड अपॉन द वेरिएंट्स। और मैं बाकी गाड़ियों के यहाँ पे प्राइस डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हो किस गाड़ी का कितना क्या स्टार्टिंग प्राइस है। तो अभी बात आती है भाई कंक्लूजन की, यानी कि होंडा की जो एलिवेट है वो आज के टाइम में, आज के दौर की जो गाड़ियां हैं उनसे कम्पीट कर पाएगी या फिर कहां तक मैचअप कर पाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलिवेट में भी कुछ चीजों की कमी है और कुछ चीजें ऐसी है जो कि अभी की गाड़ियों आपको नहीं दिखने वाली, जैसे कि क्रेटा में भी नहीं दिखेगी, ना ही सेल्टोस में और ना ही ग्रैंड विटारा में। तो उस चीज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो आपको होंडा की एलिवेट में जो मिल रही है भाई 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट सबसे ज्यादा आपको मिलेगी इस गाड़ी में, और सबसे ज्यादा बूट एरिया यानी कि 458 लीटर का बूट स्पेस। भाई आप देखो ना, जब आप जाते हो कहीं पे लॉन्ग रूट में जाते हो या फिर गांव वगैरह जाते हो, तो आप जाते हो कुछ सामान लेके, लेकिन जब रिटर्न आप आते हो तो आपके सामान बढ़ जाती हैं। तो अगर आप होंडा एलिवेट लेते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बूट स्पेस आपको काफी ज्यादा मिलेगी, केबिन आपको काफी स्पेशल लगेगा, प्रीमियमनेस कंफर्टनेस के मामले में आपको भाई आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस गाड़ी में। और सबसे मुझे अच्छा लगा इसका सीट वगैरह, ब्राउन कलर की जो सीट है वो काफी अच्छी लगती है देखने में, और कंफर्ट भी आपको एक नंबर मिलेगी इस गाड़ी में। तो कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि मैंने बता दिया जो कि होंडा एलिवेट इसमें आगे जाती है। और अभी बात करते हैं भाई क्या चीजें हैं, जैसे कि आजकल के टाइम में जो गाड़ियां फीचर्स ऑफर कर रही है, कॉमन फीचर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि होंडा की एलिवेट नहीं दे रही है, वो है पैनारोमिक सनरूफ हो गई, सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट हो गई, वेंटिलेटेड सीट हो गई, देन आपको पावर एडजस्ट और ड्राइवर सीट भी नहीं मिल रही है कुछ गाड़ियों में, जैसे कि सेल्टोस हो गया एंड क्रेटा में आपको मिल जाती है पावर एडजस्ट और ड्राइवर सीट, जो कि आपको एलिवेट में नहीं दी जा रही है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि भाई इक्का दुक्का जो है इधर उधर हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो रोड प्रेजेंस के ऊपर अगर देखा जाए तो एलिवेट डेफिनेटली एक काफी अच्छा स्टैंड जो है क्रिएट करेगी मार्केट के ऊपर एंड लोगों के नजर में आएगी गाड़ी, और काफी ह्यूज भी लगती है, फ्रंट का जो प्रोफाइल है काफी ब्रॉड लगती है, चौड़ी गाड़ी लगती है देखने से, तो एक रोड प्रेजेंस काफी बेहतर बनेगी इस गाड़ी के थ्रू। एंड इंजन ऑप्शन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंजन ऑप्शन भी आपको एक ही मिल रही है, तो मे भी कंपनी आगे जाके और भी इंजन ऑप्शन इसमें दे दे वो अलग बात है, लेकिन हाइब्रिड वगैरह यहाँ पे नहीं दी जा रही है, जैसे कि आपको ग्रैंड विटारा मिल जा रही है हाइब्रिड का ऑप्शन, सीएनजी का ऑप्शन मिल जा रही है, सेल्टोस आपको दी जा रही है भाई टर्बो का ऑप्शन, डीजल का ऑप्शन, क्रेटा में आपको मिलेगी भाई पेट्रोल एंड डीजल का ऑप्शन, तो लेकिन यहाँ पे आपको बस एक ही जो है इंजन ऑप्शन मिल जा रही है, तो थोड़ी सी यहाँ पे लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रही ज्यादा इंजन के ऊपर, तो वो चीज होप सो आगे जाके क्लियर हो जाएगी कंपनी जब चेंज करेगी गाड़ी को। तो लेकिन फिलहाल के लिए भाई यही मिले आपको, और प्राइसिंग जैसे मैं बता दिया, फीचर्स मैंने आपको बता दिया, तो आपको कैसी लगी ये बोल्ड कैरेक्टर वाली गाड़ी यानी कि होंडा की एलिवेट मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप राहुल से बिलोंग करते हो तो इनका नंबर आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि भाई बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी आपको मिलने वाली है राउरकेला में यानी कि राउरकेला ओडिशा में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।